मित्रों, ये कथा एक ऐसे कृष्ण भक्त की है जिसने अपने गुरु से भागवत कथा सुनने के बाद निधि वन में जाने का मन बना लिया और बार बार उस वन से निकाले जाने के बाद भी अपने उद्देश्य से टस से मस नहीं हुआ और प्रयत्न करता रहा और अंत में उसे रात में रुकने का मौका मिल गया। लेकिन उसके बाद उसने वहाँ जो देखा वह बेहद चौंकाने वाला था। आइए उस भक्त ने वहाँ क्या देखा था इस कथा के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। यह कथा एक सत्य घटना पर आधारित है जिसमें एक कृष्ण भक्त अपने गुरु से भागवत कथा सुनने के बाद निधि वन जाने का मन बना लिया। जैसे उसे पता चला कि निधि वन में उपस्थित वो पेड़ पौधे गोपियाँ हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं और वहाँ शाम ढलते ही वो पेड़ गोपियाँ बनकर राधा रानी और कृष्ण सहित रासलीला करते हैं, किंतु आज तक वहाँ कोई भी जीव वह दृश्य देख नहीं पाया। जिसने देखा वो जीवित नहीं बचा। इंसान ही नहीं बल्कि वहाँ दिन भर भ्रमण करने वाले हिरण, बंदर, पशु पक्षी भी शाम होते ही वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ तक कि जमीन पर रहने वाले जीव चींटी आदि भी जमीन के भीतर चले जाते हैं। इसका एक कारण यह भी सुनने में आता है कि उस वन में हो रही रासलीला यहाँ के लौकिक जगत के लिए नहीं बल्कि अलौकिक जगत की दिव्य लीला है। कहा जाता है कि इस जगत से संबंध रखने वाला कोई भी साधारण जीव या मनुष्य इसे देखने का अधिकारी नहीं है। कुछ साधु संतों का तो ऐसा भी कहना है कि उन्होंने तो निधि वन से राधा रानी और गोपियों की नूपुर की ध्वनि भी सुनी है। यहाँ तक कि राधा रानी थक जाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके चरण कमल को दबाते हैं और रात में निधि वन में ही शयन करते हैं। आज तक वह शयन कक्ष वही निधि वन में मौजूद है जहाँ रोज पंडित जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं, जो सुबह देखते ही पानी का पात्र खाली और पान चबाए हुए और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। इतना सब सुनने के पश्चात उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वह निधि वन में प्रत्येक रात्रि होने वाली रासलीला को देखने के लिए निधि वन जाने को सोचने लगा, क्योंकि उसके गुरु जी ने उसे हमेशा ही कहा कि आज भी वहाँ पर रात्रि में श्री कृष्ण जी रासलीला रचाते हैं। किंतु उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने ठान लिया कि वह वृंदावन जरूर जाएगा। इसी जिज्ञासा के चलते राधा रानी के कृपा से उसे वृंदावन जाने का मौका मिला और उसने वहां पहुंचकर बिहारी जी और राधा रानी का मन भरकर दर्शन किया। किंतु उसके मन अभी निधिवन में क्या सच में बिहारी जी और राधा रानी गोपियाँ संग रास रचाते हैं, यही जिज्ञासाएँ उसे खाए जा रही थी। फिर उसने वहीं रुककर इस जिज्ञासा को शांत करने का उपाय निकाला और वहीं बैठा रहा। शाम ढलने लगी, वहाँ के पुजारी निधि वन खाली कराने लगे। उन्हें देख वह भक्त उन पेड़ की लताओं के नीचे जाकर छिप गया, लेकिन उसकी किस्मत काम नहीं आई और उसे पुजारी ने देख लिया और उसे वहाँ से जाने को कहा। उस वक्त तो वहाँ से वो चला गया, किंतु अगले ही दिन वह फिर आ गया, किंतु बुरी किस्मत के चलते वह फिर पकड़ा गया। लेकिन थोड़े समय बाद उसने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाल लिया जहाँ उसे कोई नहीं खोज पाया। वह वहाँ छुपकर रात भर बैठा रहा और सारी रात इंतजार करता रहा। सुबह होते ही जैसे ही सेविका आई तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति बेसुध पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उसे देखते ही सेविका ने आसपास के लोगों को बुलाया और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने उससे उसकी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की पर उसने कुछ भी नहीं बताया। मिठाई को खाने तक दिया, फिर भी उसने कुछ भी नहीं खाया और तीन चार दिनों तक ऐसे ही बिना खाए पड़ा रहा। सूचना मिलते ही उसके गुरु जो गोवर्धन पर्वत के सामने रहते थे उसे अपने साथ अपने आश्रम में ले गए, किंतु वहाँ भी ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन सुबह उठकर उसने अपने गुरुजी से एक कागज और कलम मांगा। गुरुजी यह देखकर थोड़ा खुश हुए, फिर कागज कलम देने के बाद पास ही के सरोवर में स्नान करने को चले गए। जब वह वापस लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि वह भक्त दीवार से लगकर अपने प्राण त्याग चुका है और कागज कलम उसने मांगा था उस पर कुछ लिखा हुआ था। मरने से पहले उस भक्त ने अपने गुरु से बताया कि उस दिन निधि वन में उसने बांकी बिहारी लाल और राधा रानी जी के रासलीला को देख लिया है। अब उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, इससे अधिक वह और भी जीना नहीं चाहता है। श्री श्याम सुंदर जी के उस सुंदरता के आगे संसार की यह सुंदरता कुछ भी नहीं है, इसलिए आपके श्री चरण में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए।
ऐसा कहा जाता है कि वह पत्र जो उसने अपने गुरुजी के लिए लिखा था आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जिसे बंगाली भाषा में लिखा गया था। मित्रों, यह सोचने वाली बात है कि जो मनुष्य सालों तक पूजा पाठ ध्यान साधना करने के बाद भी संसार की इस मोह माया को त्याग नहीं पाया, वह आखिर कैसे बांके बिहारी जी की एक झलक से इन संसार की मोह माया से मुक्ति पा सकता है। मित्रों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अध्यात्म गुरु, और इसे बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।